अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखने वाले भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इन पेज का ट्यूटोरियल नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह टेक्स्ट को कॉलम के अंदर लिख सकते हैं और हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ लिंक कर सकते हैं और उसकी कॉलम की डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, कलर किस तरह दे सकते हैं, बैकग्राउंड उसका किस तरह चेंज कर सकते हैं और उसमें अपने टेक्स्ट को हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने इन पेज को ओपन कर लिया। अब मैं कंट्रोल एन के साथ इसकी न्यू फाइल ओपन करता हूँ। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करते हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज़ नहीं चूज़ करना चाहते तो फिर फाइल में जाके न्यू पे करके ओके, ये न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये दो टूल्स पढ़े थे, एक हमने ये एरो टूल्स पढ़ा था और एक ये हैंड वाला टूल्स पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं कि एरो टूल जो यूज़ होता है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी ऊपर डिज़ाइनिंग की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, और ये हैंड टूल जो है ये कंपोजिंग मोड के अंदर यूज़ होता है। जैसे हम हैंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी कंपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना फाउंट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। फाउंट बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल ए या डबल क्लिक करके यहाँ से हम अपना फाउंट तब्दील कर सकते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो फाउंट मैंने बड़ा कर लिया। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल दोस्तों हमारे पास आता है रोटेट का। जैसे कि आपको आइकन से भी पता चल रहा होगा कि ये रोटेट के लिए यूज़ होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करें, तो पहले हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये नीचे आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर आइन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको ड्रा किया। ड्रा करने के बाद दोस्तों, मैं डबल क्लिक करके अपना फॉर्म थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ मैं अब कुछ भी लिखता हूँ, डेली टीवी। ये देखो दोस्तों, ये मैं लिखता हूँ डेली टीवी, सॉरी आप एक रहे हैं और बिल टी वी देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे इबारत लिख दी। तो दोस्तों, अब मैं इसको अपनी बात को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम रोटेट किस तरह कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक किया। दोस्तों, जैसे ही हम रोटेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का निशान ये इस तरह गोल सा आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। किसी भी कॉर्नर से आप इसको पकड़ें, क्लिक करें और माउस को पकड़े बगैर इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, जिस भी पोजीशन में हम इसको करना चाहें, मैं अगर इसको इस पोजीशन पर करता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, किसी भी पोजीशन में अगर मूव करना है तो इसको एरो पे क्लिक करके हम किसी भी पेज की किसी भी साइड पे हम इसको मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर यहाँ नंबरिंग के साथ भी इसको मूव कर सकते हो, मैं 5% मूव करना चाहता हूँ तो ये देखें, अगर मैं इसको चाह रहा हूँ 10% मूव करना, ये 10% मूव हो गया। अगर मैं इसको 0 कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये देखें दोस्तों, इसको हम जैसे चाहें, जिस जगह चाहें उस जगह हम इसको मूव कर सकते हैं, हम यानी कि कॉलम के अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल में दोस्तों, नीचे आपको ये एक और जो है वो कॉलम नज़र आ रहा है, ये एक और आइन का निशान लिखा हुआ है बॉक्स का, ये बॉक्स के अंदर आइन लिखा हुआ है। दूसरा टूल जो है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या काम करता है। इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखें, जब मैं इसको ड्रा
करने के बाद हम इसको अपने माउस को छोड़ते हैं तो उस टाइम ये हमारे पास एक कॉलम बनाता है। लेकिन दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि हम इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ना हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम इसमें कुछ लिखते हैं, आप डेली टीवी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ, सॉरी जी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। इस वाले कॉलम में हम जो भी इबारत लिखेंगे वो सिर्फ एक लाइन की सूरत में हम लिख सकते हैं, हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट वाली ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों कॉलम तो आपको समझ आ गए होंगे कि ये दोनों बॉक्सेस का फंक्शन क्या है। एक बॉक्सेस जो है जिसमें हम फुल फॉर्मेट उसको कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसको, उसको हम रोटेट कर सकते हैं और उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस कॉलम को हम, जो ये बॉक्स है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको राइट लेफ़्ट पे एडजस्ट ही कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों कि एक साइड से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये सिर्फ हम इसको राइट और लेफ़्ट से ही कर सकते हैं छोटा या बड़ा, लेकिन अप और डाउन से हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि हम अपने एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ लिंक कैसे करते हैं। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम ये वाला बनाता हूँ, बॉक्स मैंने ये वाला सॉरी किया। अब ये लिंक, ये जो टूल है दोस्तों, ये आपको दो गोल गोल से दायरे नज़र आ रहे हैं, ये हमारा लिंक का टूल है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपको ये एक ग्रीन का निशान आ जाएगा और एक ये इस तरह का जो कलरफुल बॉक्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इबारत अपने इस वाले बॉक्स के अंदर लिखूँ और इसके बाद जो इबारत इजाफी इबारत है, जब ये बॉक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद इबारत मेरी इस वाले बॉक्स में आ जाए, तो पहले मैं इस पर क्लिक करके और साथ इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो दोस्तों एरो से भी साफ जाहिर है कि पहले ये वाला बॉक्स हमारा फिल होगा, उसके बाद इस वाले बॉक्स में इबारत आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम लिख के देखते हैं एंड पे, देखो देख रहे हैं, मैं यही बार दोबारा लिखता हूँ हम। ये देखें दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे ये देखें हम लिखा हम, देखें अब मैं लिखता हूँ सॉरी हम, अब इन, ये देखें दोस्तों मैंने हम लिखा, उसके बाद इन पेज मैं लिखूँगा, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है तो वो खुद ब खुद उसको नीचे वाले बॉक्स में ले आएगा, हम इन पेज में काम करना सीख रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप एक अपने बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ लिंक करेंगे। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो वो आपकी इबारत इसी बॉक्स के अंदर लिखता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको अपनी मर्जी के साथ मूव भी कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अगर आपने इसको लिंक नहीं किया होगा तो फिर ये आपकी इबारत नेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वहीं पे ही लिखेगी। अब हम इसको थोड़ी डिज़ाइनिंग करते हैं दोस्तों, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हमने डिज़ाइनिंग के मोड को सिलेक्ट किया, एरो का बटन डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, इस पर क्लिक किया तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अरे दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपको बॉक्स की साइड पे लाइनिंग नज़र आ रही है, बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये टेम्परेरी बॉर्डर है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये बॉर्डर प्रिंट पेज पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी बॉर्डर है। अगर आप चाहते हैं कि आप जब इसको प्रिंट करें तो इसके साथ ये लाइनिंग या बॉर्डर आए, तो वो फिर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये अब हमने किया। अब इस वाले में और इस वाले में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये हमने परमानेंट बॉर्डर लगा दिया जो हमें प्रिंट करने के बाद भी पेज पे नज़र आएगा, और ये डल सा बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि टेम्परेरी बॉर्डर है, ये परमानेंट बॉर्डर नहीं है। तो अगर हमें चाहिए तो हम इस पर भी क्लिक करके और यहाँ से कोई भी डिफरेंट सा बॉर्डर हम इस पर लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैं यहाँ से इसको ये मैंने ये लगा दिया। अब हम इस पर बाकी इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ये देखें, मैं इसके बैकग्राउंड को जिस तरह चाहूँ उस तरह डिज़ाइन कर सकता हूँ।
इसको भी दोस्तों ऑन करके देखते हैं ये, या इसको हम कोई डिफरेंट देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने दिया। अब मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर, ये देखें ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसको येलो दे दिया। और इसका मैं फाउंड जो है वो उसके कलर को, सॉरी बॉर्डर को चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर इसका, ये देखें ठीक है दोस्तों, ये देखें ठीक है। अब हम इसको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का चेंज करते हैं, ये ग्रे कलर में, और फाउंड का कलर, सॉरी फाउंड ये यहाँ से इसका होगा, ये दोस्तों डिज़ाइनिंग थी जो आज हमने सीखी कि हम कैसे। और दोस्तों इसके बाद अगर हम अपना कोई जो है इबारत, अगर इसके अलावा हम पेज के किसी और साइड पे लिखना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें दोस्तों, हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं हम इन पेज में ये देखें दोस्तों, अगर हम इसके बाद हम यानी कि अपने टेक्स्ट इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देते हैं ज़रा, ये देखें दोस्तों, इसको मैंने ये दे दी, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं, पेज को हम यहाँ से ये वाला देते हैं कलर। ये करने के बाद कोई और इफेक्ट लगाते हैं इस पर, ग्रीन वाला ये लगा लिया हमने। और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को हैंड के बटन पे, एक बात का ख्याल कीजिए तो जब भी आपने टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने ये हैंड के बटन पे क्लिक करना है, और जब आपने कंपोजिंग सॉरी डिज़ाइनिंग के मोड में जाना है तो फिर आपने एरो के बटन पे क्लिक करना है। अब हमने इसको कंपोजिंग थोड़ा अपने टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं, हम इन पेज पे काम करना सीख रहे हैं इस पर, इसको करके इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों, तो ये इस तरह हम अपनी जो इबारत है उसको हम जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसको व्यू करना है तो हम यहाँ पे जाते हैं और हम इसको 50% पे देखते हैं। दोस्तों ये इस तरह हमारा प्रिंट आएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज के भी बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट लगाएं तो ये हम पेज पे आके ये डिज़ाइनिंग के मूड में आके, और हम दोस्तों ये लंबी वाली लाइनिंग हमने इस पर लगा दी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इन पेज में काम करना सीख सकें। तो दोस्तों मुझको इजाज़त दे, अगली वीडियो में मैं बाकी टूल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।